नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मयूरेश और आप देख रहे हैं टेक्निकल मयूरेश। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम कुछ टॉप न्यूज़ पढ़ेंगे कि आज कौन सी न्यूज़ आई है। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस वीडियो की तरफ। तो दोस्तों, सबसे पहली जो न्यूज़ आई है वो हम बात कर रहे हैं मोटोजिक्स 6 के बारे में, जो कि बताया जा रहा है कि 19 अप्रैल को जो है वो बिल्कुल लॉन्च होने वाला है। तो ये जो न्यूज़ है हमें मिली है मोटोजी 6, और तो हम बात करने वाले हैं जैसे कि मोटोजी 6, जी 6 प्ले। तो ये जो फ़ोन है इनमें से मोटो G6 जो है वो सबसे ज़्यादा हेविली रूमर्ड है, यानी उसके बहुत सारे लीक्स हमें और रूमर मिल रहे हैं। और अभी हमें फ़िलहाल में बहुत ही बड़ा आइडिया मिला है, यानी हमें एक ऐसी लीक मिली है जिसमें ये बताया जा रहा है कि जो मोटरोला उसने इनवाइट्स भेजी है कुछ यूट्यूबर्स को, जो जो कि एक इवेंट जो है वो होने वाला है 19 अप्रैल को, जिसके इनवाइट सभी को भेजे हैं। तो दोस्तों, ये जो इनवाइट्स हैं हमें, यानी ये जो डेट हमने कैसे बताई आपको, आप सोच रहे हैं कि 19 अप्रैल आपने कैसे बोल दी। तो ये जो 19 अप्रैल हम डेट बोल रहे हैं, ये जो डेट है ये जो है सभी को एक इनविटेशन भेजा गया है यूट्यूबर्स को, जिसमें से एक यूट्यूबर जो है एंड्रॉयड पिट नाम के, उनको भी सेम टू सेम जो इनविटेशन है वो भेजा है मोटरोला ने, जिसमें ये जो आप इमेज देख रहे हैं इसमें लिखा है 19 अप्रैल को। और इसमें बताया जा रहा है कि ये जो होगा ये ब्राज़ील में होने वाला है। वैसे मेरे हिसाब से मोटो G6 यहाँ लॉन्च नहीं होगा, क्योंकि ये इसलिए लॉन्च नहीं होगा क्योंकि ये जो ब्राज़ील है ये एकदम सही लोकेशन नहीं है कि जहाँ इसे लॉन्च करना चाहिए। जैसे कि अगर हम बात करें मोटो G5 की, तो वो हुआ था लॉन्च MWC 2017 में, तो यानी बहुत ही बड़ा ट्रेडमार्क शो होता है। तो वहीं अगर ये छोटी सी ब्राज़ील जैसी जगह में लॉन्च करेंगे तो बात नहीं बनेगी। वैसे 19 अप्रैल को शायद हो भी सकता है लॉन्च। और इसका जो बैकग्राउंड जो कलर है इन्विटेशन का, वो जो है वो मोटो G6 का जो मोबाइल का वॉलपेपर होता है उसके बिल्कुल सेम टू सेम है। तो दोस्तों, अगली जो न्यूज़ है वो आ रही है हुआवे की तरफ से, होनर के तरफ से, यानी हुआवे की खरीदी हुई कंपनी होनर के तरफ से। तो दोस्तों, आप सभी को बता दूं कि होनर 10 जो है उसकी भी लॉन्च डेट हमारे सामने आ गई है। तो दोस्तों, ये जो है ये भी इन्होंने भी इनवाइट्स भेजे हैं कुछ यूट्यूबर्स, ब्लॉगर्स और प्रेस के लिए। वैसे तो है ये तो प्रेस कन्फ्रेंस होगा जहाँ की ज़्यादातर प्रेस में स्मार्टफोन लॉन्च हो ही जाते हैं। तो आप सभी को बता दूँ कि होनर 10 जो है वो भी लॉन्च होने वाला है 19 अप्रैल को। ये कैसा पता चला, इसका भी इनविटेशन आया है। तो इस इनविटेशन की लीक इमेज बता देते हैं आपको। तो इस लीक इमेजेस में ऐसा बताया जा रहा है कि ये जो फ़ोन होगा होनर 10, वो होगा डुअल कैमरा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ साथ, और इस फ़ोन में हो सकता है ट्विलाइट कलर वेरियंट के साथ में। अब आप सोचते हो कि ट्विलाइट कलर वेरियंट क्या होता है। ट्विलाइट कलर वेरियंट वो होता है जिसमें ऊपर की तरफ, तो मोबाइल को जो बैक का आता है ना, उसमें ऊपर ऊपर नीले और नीचे गुलाबी दो कलर की मिक्सिंग के साथ में। अब आप सोच रहे होंगे कि होनर 10 जो है वो अपने होम टाउन में लॉन्च होने वाला है चाइना में, लेकिन आप सभी सोच रहे हैं कि यार इतने वो होनर 10 एक बढ़िया पीस और उसको ऐसी जगह लॉन्च करें। लेकिन आपको बता दूं कि होनर ने जो है हुआवे जो है उसने साथ ही साथ 15 मई की जो इनवाइट है वो भी भेजी है लंदन में, लंदन के लिए एक इवेंट के लिए। तो शायद यहाँ भी लॉन्च हो सकता है, चाइना में भी लॉन्च हो सकता है क्योंकि होम टाउन है। और 15 मई को शायद या कुछ और नया भी वो लाने वाले हो तो उसको लॉन्च कर सकते हैं लंदन में। तो दोस्तों, अगली जो न्यूज़ आ रही वो आ रही है शाओमी की ब्लैक शार्क की तरफ से। तो आप सभी को बता दूं कि आज से 2 महीने पहले जो एक अननोन डिवाइस जो था, मिस्टीरियस डिवाइस, वो आया था अनटूटू की वेबसाइट पे, जो कि था स्नैपड्रैगन 845 के साथ साथ 8 GB RAM के साथ में, जिसके जो स्पेक्स है वो गीक बेंच ने बाद में कंफर्म किए थे। तो आप सभी को बता दूं कि ये जो फ़ोन है इसका जो लॉन्च इवेंट है वो 13 अप्रैल को आने वाला है, जिसमें ये जो है फ़ोन लॉन्च होगा। और ये जो लीक्ड इमेजेस जैसे मिली इसकी, तो उसमें जो ये फ़ोन है ये एक बहुत ही ह्यूज जो है बैक कवर उसके अंदर पैक्ड है, जिसमें आपको दिख रहे होंगे 2 डुअल कैमरास, और जो कि एक LED फ्लैश के साथ कपल्ड है। आप सभी को बता दूँ, जैसे कि मोबाइल फ़ोन आपको मिलता है तो उसके बैक साइड में मोबाइल फ़ोन कंपनी का लोगो आता है। वैसे आप जैसे कि जानते हैं कि ब्लैक शार्क जो है शाओमी की ओन्ड कंपनी है, लेकिन इसके पीछे हमें कहीं से कहीं तक शाओमी का कोई भी लोगो नहीं दिखा, लेकिन इसमें आपको एस का साइन मिल रहा है, जो कि हमें थोड़ी सी लुक जो है, डिज़ाइन जो है वो थोड़ी रेजर फ़ोन की दे रहा है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही लिखते। तो हमारे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, ताकि आगे जो भी न्यूज़ आए वो आपको सबसे पहले मिले। सैल्यूट टू फ्रीडम फाइटर्स, अवॉइड ड्रग्स, रिस्पेक्ट वुमेन। जय हिंद।